हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात कर रहे हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके सामने नाम लिखे हुए मैं बता देता हूँ। फेयर क्लाउड हो गया, मॉक ड्रिल हो गया, एसके का, स्मार्ट केड़ा का, ठीक है। उसके बाद गाइडली का हो गया, ठीक है। गाइडली का देखो क्विज है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट, यदि कोई बोलूंगा क्विज से यदि प्रैक्टिस करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हो। गौरव गढ़ सर का स्टडी आईक्यू हो गया, ठीक है। आशीष गौतम सर जो पढ़ाते हैं, उसके बाद में अड्डा कैप्सूल हो गया और बोल्ट पीडीएफ हो गया, ठीक है। तो देखो पीडीएफ में मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, कोई भी दो पीडीएफ आप यूज कर सकते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो पीडीएफ सोर्स, ठीक है। जिसमें एक तो आप मंथली कैप्सूल यूज कर लो, ठीक है, एक का, और दूसरे का आप क्या करो, इन्हीं में से ही दूसरे का क्या करो, वीकली कर लो, ठीक है। जिससे आपको क्या है कि हर वीक में 10 से 12 क्वेश्चन अलग मिल जाएंगे। और एक वीडियो में आपको ओली बोर्ड में शीतल मैम भी पढ़ाते हैं, ठीक है, वो भी अच्छा सोर्स है। अब बात ये आती है कि टीचर से पढ़ने का क्या फायदा होता है। देखो यहाँ ये क्या है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ठीक है। पीडीएफ में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा पहले, कि पीडीएफ में क्या फर्क होता है और टीचर वाले में। पीडीएफ में क्या है कि आपके कंटेंट अच्छा हो जाता है, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, ठीक है, पढ़ने के लिए। और वही आपको यदि टीचर से पढ़ना पड़ेगा तो वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं आपको, ठीक है, जिससे आपके कुछ सोर्स रह जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना चाहिए, पीडीएफ पढ़ना चाहिए, उसके बाद में इन टीचर्स को फॉलो कर लो। जिससे क्या है कि ये आपको कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बार बार लिखते हैं ना, रिपीट मोड पे लिखते हैं कोई भी चीज, तो वो याद हो जाती है, ठीक है। और क्विज देने के लिए आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसका यूज कर लेना, गाइडली का, क्विज देने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है ये क्विज के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई क्विज देनी हो तो, और बाकी यदि आप पीडीएफ के लिए कोई भी दो सोर्स यूज करोगे तो उससे आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ करने की नीड नहीं है। और जितनी भी आप करंट अफेयर पढ़ो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि करंट अफेयर जब भी पढ़ोगे ना, आपके अपने पास में एक नोटबुक रखना, ठीक है, जहां से आपको जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे। फॉर एग्जाम्पल अपकमिंग कोई चीज है, जैसे फॉर अपकमिंग स्पोर्ट्स है, ठीक है, वो आपको न्यू आया कि 2026 में ये होगा, 2036 2026 में यहाँ होगा, 2036 में यहाँ होगा, तो उसको क्या है, आपको उस इंपॉर्टेंट नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ऐसी अपकमिंग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मीटिंग्स होगी, ठीक है, सबमिट्स हो गए, ठीक है, ये आपको क्या करने हैं कि भाई ये नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट वुमेन वाला क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। मतलब कोई भी चीज की, जैसे फर्स्ट वुमेन जो है चेयरपर्सन बनी है कोई भी कंपनी की, या ठीक है जिसकी भी, तो और कोई भी जैसे कहीं के पीएम बने हैं, तो ये चीज आप प्रेसिडेंट बने हैं, फर्स्ट वुमेन जहां पे आ जाएगा ना, वो आपको वुमेन का क्या है याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्योंकि ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर फर्स्ट आता है, ठीक है। और वुमेन वालों को ये क्या थोड़ा सा ऐसे है कि भाई अभी तक तो क्वेश्चन बनते हैं, तो अब जैसे आपके पास ओलंपिक पड़ा है, ओलंपिक में क्या है कि भाई सारा का सारा सिंपल सा फंडा है, आपको क्या है ओलंपिक पूरा अच्छे से याद करना है, ठीक है। अभी रिसेंट में जैसे इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता है, T20 वर्ल्ड कप, तो आपको ये ध्यान रखना है मैन ऑफ द सीरीज किसको मिला था, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को मिला था। ये मैंने एक वीडियो में पहले सारे स्पोर्ट्स के बताए थे, जसप्रीत बुमराह को मिला था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था, विराट कोहली। ये मैं ऐसे याद करवा देता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। तो बस ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि भाई सब, हाँ इसमें क्या हो सकता है, यदि क्वेश्चन पूछना चाहे कौन सा एडिशन था T20 का, और अभी तक कौन सा देश सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीता है, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि भाई कहाँ पे हुआ था ये, ठीक है, कहाँ के साथ में। आपको एक चीज ध्यान रखना कि फाइनल जो हुआ था वो कौन से स्टेडियम में हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, जिससे क्या है कि आपके भाई कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ का एक कॉम्बिनेशन करके कोई भी इनमें से दो सोर्स पढ़ सकते हो। कोई ऐसा नहीं होता कि भाई ऑलमोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सब मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन वो अपनी साइड से, वो कहते हैं ना इनको ये इंपॉर्टेंट लगते हैं तो वो डाल देते हैं। बाकी क्विज देने के लिए मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई कल ही मैंने वीडियो डाला था, आज सुबह ही डाला शायद, तो उसमें क्या है मैंने गाइडली के क्विज के बारे में बताया था आपको, ठीक है। और बाकी जाते जाते एक चीज और बता देता हूँ कि भाई
ये सेल आ रखी है जिसमें आपको क्या है कि ये 300 में मिल जाएगा पास प्रो, ठीक है, और कल से इंक्रीज हो गया, ये हो जाएगा 599, मतलब 600 रुपये का हो जाएगा। तो अभी तक जिसने टेस्ट बुक नहीं लिया, टेस्ट बुक देखो आपको मैं यही बताता हूँ, मैं हमेशा ये बात बताऊँ, प्रीलिम्स के लिए आपको कोई मॉक देने की नीड नहीं है, ये वाला मॉक दे रखो, आपका प्रीलिम्स कहीं पे भी नहीं रुकने वाला, क्योंकि इनका ही लेवल ऑलमोस्ट लेवल जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। क्लर्क में तो मोस्टली आपको डिट्टो देखने को मिलता है, ठीक है। तो जिस भाई बंधु को लेना हो, जैसे अभी पहले क्या है यहाँ पे 12% ऑफ आता था, अब आ गया 14% ऑफ, ठीक है, आज आज के लिए है। जिस भाई बंधु ने नहीं लिया हो तो वो ले सकता है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, कोड है GKB, आप कोड यूज कर लेना, कल से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, 599 का हो जाएगा ये, यही पास प्रो जो आप देख रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और यदि किसी को कंप्यूटर की PDF नहीं मिली हो तो वो मेरे को मैसेज में अपने मेल आईडी दे सकता है, मैं उसको वहां पे सीधा ही सेंड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।